क्या आपको पता है एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने अपने प्लान महंगे कर दिए हैं? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितने परसेंट महंगे की है? मैं आपको बता रहा हूँ, 42% इन्होंने अपने प्लान महंगे कर दिए हैं। वो जो रिचार्ज आप पहले कराते थे, वही रिचार्ज अगर आप अब कराएंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सब कुछ बताएंगे दोस्तों हम आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक चैनल पर। चलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे अनलिमिटेड और फ्री कुछ भी नहीं रहा है, सब के आपको पैसे देने पड़ेंगे। पहले मैं आपको चीज बता दूं कि एयरटेल टू एयरटेल करते हो तो अनलिमिटेड है, जियो टू जियो करते हो तो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आप किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं, जैसे कि एयरटेल से आइडिया पे करेंगे या जियो से एयरटेल पे करेंगे, तो आपको 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से देने पड़ेंगे। और हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एयरटेल आइडिया वोडाफोन के तीनों के ही प्लान बिल्कुल सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 या 2 रुपए का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एयरटेल का जो बेसिक प्लान आपको 35 रुपए में करवाते थे, जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। इससे क्या होता था कि आपकी सिम एक्टिव रहती थी। अगर आप वही सिम अब एक्टिव रखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको 49 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें आपको 100 MB डेटा मिलेगा और मैं आपको बता दूँ 38 रुपए मिलेंगे, जिससे आप इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल कर पाएंगे। यही सेम आपको प्लान आइडिया और वोडाफोन में भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको सिम को एक्टिव रखने के लिए आपको 49 रुपए पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों वही बात करें हम लोग यहाँ पे 1 महीने वाले रिचार्ज की, जो कि 129 रुपए में आपको देखने को मिलता था, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलता था, वही आपको अब 248 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा पर डे और 28 दिनों तक लगातार मिलेगा। एयरटेल टू एयरटेल फ्री है, लेकिन अगर आप किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने 1000 मिनट दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 GB डेटा प्लान कराते हैं, तो उनको जो पे करने पड़ेंगे अब 298 रुपए पे करने पड़ेंगे, जहां पे आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, 28 दिनों तक लगातार मिलेगा। यहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 मिनट ही मिलने वाले किसी अन्य टेलीकॉम पर कॉल करने के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, और यही जो प्लान है वो सेम आइडिया का और वोडाफोन का भी है। और दोस्तों जो मैं आपको अगला प्लान बताने वाला हूं, ये मोस्टली सारे लोग ही अपने फोन में कराते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं 3 मंथ वाले रिचार्ज की। यहां पे क्या होता है, पहले 399 रुपीज में आपको 1 GB डेटा पर डे मिलता था, 448 में आपको डेटा मिलता था, वो 1.5 GB पर डे मिलता था। अगर आप 1.5 GB डेटा पर डे लेना चाहते हैं तो उसकी जो कीमत रखी गई है वो 598 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा और 82 दिनों तक लगातार मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एयरटेल टू एयरटेल फ्री है, लेकिन अगर आप किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो वहां पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके लिए उन्होंने यहां पे डाली है वो 3000 मिनट डालनी है। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3000 मिनट तो बहुत जल्दी खर्च भी हो जाती है। वही दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग रिचार्ज कराते हैं 2 GB डेटा का पर डे, तो मैं आपको बता दूं उनके लिए ये है कि आपको 698 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 GB डेटा मिलेगा पर डे मिलेगा और 82 दिनों तक लगातार मिलेगा। यहां पे भी क्या है, यहां पे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि आपको एयरटेल टू एयरटेल फ्री है, लेकिन अगर आप अन्य किसी टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो उसके लिए यहां पे आपको 3000 मिनट दी जाएंगी, और यही सेम प्लान आपको आइडिया और वोडाफोन में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे प्लान जो एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन में देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसी चैनल पर अगली जो वीडियो आने वाली है वो जियो के नए प्लान की लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि जियो अपने 6 दिसंबर को नए प्लान लॉन्च कर रहा है। उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जियो के प्लान के बारे में बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया में से कौन सी सिम आपने यूज करना चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करना, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको जियो के नए प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।